जैसे ही सर्दियों का मौसम शुरू होता है वैसे ही लोगों को सर्दी खांसी कोल्ड एंड कॉफ प्रॉब्लम की समस्या हो जाती है। अगर आप भी इस ठंडे मौसम में इस समस्या से ग्रसित है तो आप भी अनुसा जिसे मलबार नट के नाम से भी जाना जाता है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पौधे में कई औषधीय गुण पाए जाते हैं जैसे कि सांस लेने में परेशानी, खांसी और सर्दी, गले में खराश, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस आदि परेशानियों को दूर करने में भी मदद करता है। इसके पत्तों में एक वैसी नामक तत्व पाया जाता है जो कई तरह की बीमारियों के इलाज में बहुत ही प्रभावी है। तो चलिए हम विस्तार से जानते हैं। हमारी चैनल में हफ्ते में एक से दो वीडियो आएंगे और इसमें हम आयुर्वेद की ऑथेंटिक बात ही साझा करेंगे क्योंकि मैं शिक्षक हूँ और मेरी जिम्मेदारी समाज में कोई गलत मैसेज न जाए। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपकी एक लाइक हमें नई ऊर्जा प्रदान करती है। हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ अडुसा इन विंटर। भारतीय आयुर्वेद में एक से बढ़कर एक घरेलू नुस्खे है जिनसे कई तरह की बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि इन नुस्खों को खोजने के लिए ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती बल्कि आसपास ही मिल जाते हैं। इन्हीं घरेलू नुस्खों में से एक है अडुसा के पत्ते। सर्दी में अडुसा के पत्ते के कई फायदे हैं। अडुसा क्या है? अडुसा एक औषधीय पौधा है। अडुसा का पौधा जाड़ीदार होता है, फूल सफेद रंग के होते हैं। इसकी मंजरिया फरवरी से मार्च में आती है। इसकी फली 18 से 22 मिमी लंबी, 8 मिमी चौड़ी रोम वाली होती है तथा प्रत्येक फली में 4 बीज होते हैं। वसाका के फूल, पत्तियां और जड़ों का उपयोग कई तरह की बीमारियों में बचाव के लिए किया जाता है। अडुसा के औषधीय गुण। अडुसा के औषधीय गुण की बात करें तो इसमें एंटी एलर्जिक, एंटी ऑक्सीडेंट यानी कि फ्री रेडिकल दूर करने वाला, एंटी इंफ्लेमेटरी सूजन कम करने वाला एवं एंटी डायबिटिक, एंटी अल्सर और ऐसे ही कई अन्य गुण मौजूद है। इसमें कई प्रमुख घटक भी होते हैं जैसे किनाजोलिन, अल्केलॉइड्स और वासिन। अडुसा को देश में कई नामों से जाना जाता है। इसे अरुस, बाकस, बिरसोटा, अडुसा भी कहा जाता है। संस्कृत में इसका नाम वासक या वासा सिंहास्य है। इसका वैज्ञानिक नाम जस्टिसिया अधाटोडा है। गुजराती में अडुसी, अंग्रेजी में अडुसा को मलबार नट कहा जाता है। अडुसा से सर्दी खांसी, दिल की बीमारी, रक्त संबंधी बीमारी, प्यास, सांस संबंधी बीमारी, बुखार, कोढ़, टीबी जैसी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। सर्दी में कुछ लोगों को सांस लेने में विभिन्न वजह से तकलीफ होने लगती है। ऐसे में अडुसा के पत्ते का काढ़ा बनाकर पीने से बहुत राहत मिलती है। यह बलगम को पतला कर बाहर निकालता है। अडुसा सांस नलिका को फैलाकर चौड़ा करता है जिससे एयर की आवाजाही आसानी से होने लगती है। सांस नलिकाओं के फैल जाने से दम के रोगी का सांस फूलना कम हो जाता है। अडुसा का इस्तेमाल छाती में भारीपन या कंजेक्शन को कम करने के लिए किया जाता है। यह सांसों की नली में सूजन को कम करता है। सर्दी में अडुसा के पत्ते के फायदे। सांसों की दिक्कत से छुटकारा दिलाता है अडुसा। अडुसा के पत्ते में वैसिन नामक तत्व पाया जाता है। इसके कारण यह सांसों की नली को चौड़ा करता है। इसके अलावा अडुसा में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण भी पाया जाता है जो सांस की नली में सूजन को कम करता है। इससे सांस की नली साफ होती है।
जिससे सांस लेने में हो रही दिक्कत से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा गले में खराश यानी कि थ्रोट इंफेक्शन, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस आदि परेशानियों को दूर करने में भी अड़ूसा मदद करता है। सर्दी जुकाम से राहत। गांवों में अड़ूसे के पत्ते का इस्तेमाल हर कोई जानता है। सर्दी के मौसम में सर्दी जुकाम की समस्या के लिए लोग अड़ूसे के पत्ते का काढ़ा बनाकर इस्तेमाल करते हैं। इसका सेवन करने से बंद नाक तुरंत खुल जाती है। अड़ूसा छाती के कंजक्शन को दूर करता है। आमतौर पर इसके पत्ते को पानी के साथ उबालकर इसका काढ़ा बनाया जाता है और इसका सेवन किया जाता है। रक्त पित्त, कान नाक से खून बहने की समस्या फायदेमंद। वासा, नक्सीर और रक्त पित्त में अड़ूसा का उपयोग फायदेमंद होता है, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार इसमें रक्त संग्रहिका का गुण होता है। इस गुण की वजह से ही यह रक्त स्राव को नियंत्रण करने में मदद करता है। आइए जानते हैं कि रक्त पित्त की समस्या होने पर अड़ूसा या वासा का उपयोग कैसे करें। ताजे हरे अड़ूसे के पत्ते का रस निकालकर 10 से 20 मिली रस में मधु तथा खांड मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से भयंकर रक्त पित्त शांत हो जाता है। अल्सर के लिए अड़ूसा के फायदे। पेट में अल्सर की समस्या किसी को भी कभी भी हो सकती है। बैक्टीरिया, तनाव, शराब का सेवन, मसालेदार खान पान या अन्य कोई कारणों से यह समस्या हो सकती है। ऐसे में इसे बचाव के लिए अड़ूसा फायदेमंद हो सकता है। दरअसल NCBI नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन की वेबसाइट पर इस विषय से जुड़ा एक शोध उपलब्ध है। शोध के अनुसार अड़ूसा के पत्तों में एंटी अल्सर गतिविधि पाई जाती है। ऐसे में डॉक्टर सलाह के अनुसार अल्सर से बचाव के लिए अड़ूसा का उपयोग किया जाता है। लीवर के लिए अड़ूसा के फायदे। शरीर को सही तरीके से काम करने के लिए शरीर के हर अंग का सही काम करना आवश्यक है। इन्हीं जरूरी अंगों में लीवर भी शामिल है। लीवर को स्वस्थ रखने के लिए भी अड़ूसा का सेवन किया जा सकता है। एक स्टडी के अनुसार अड़ूसा में मौजूद मुख्य घटक इथाइल हेपाटोप्रोटेक्टिव लीवर को नुकसान से बचाने वाला गतिविधि की पुष्टि हुई है। ऐसे में लीवर को स्वस्थ रखने के लिए अड़ूसा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लड को करता है क्लीन अड़ूसा। ब्लड को क्लीन करने में बहुत मददगार है। यह ब्लड को साफ करने में मदद करता है। यह ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। इसमें एंटी कोएगुलेंट और एंटी फाइब्रिलिटिक गुण पाए जाते हैं, जो हार्ट ब्लॉकेज को भी दूर करने में मदद करता है। वासा के उपयोगी भाग। आयुर्वेद में वासा के फूल, जड़ तथा पत्तों का प्रयोग औषधि के लिए सबसे ज्यादा किया जाता है। आमतौर पर वासा का सेवन बीमारी में लिखी हुई मात्रा के अनुसार ही करना चाहिए। अगर आप किसी खास बीमारी के इलाज के लिए वासा का उपयोग कर रहे हैं, तो आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह जरूर लें। चिकित्सक के सलाह के अनुसार 3 से 6 ग्राम जड़ का चूर्ण, 10 से 15 मिली पत्ते के रस का सेवन करना चाहिए। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मित्रों और अपने परिजनों को शेयर करें, ताकि वह भी अपने जीवन में लाभ उठा सके। इसी के साथ जय धन्वंतरी, वंदे मातरम।